हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इविल टेल्स में। और आज आप देखोगे द फ्यूरियस, जो कि एक हॉरर थ्रिलर स्लैशर फिल्म है जिसे टॉनी डाइक्विनो ने डायरेक्ट किया है। मूवी की स्टोरी लाइन में एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और वो खुद को एक घातक खेल का अनविलिंग पार्टिसिपेंट पाती है, जहाँ कुछ मास्ट मैन द्वारा लड़कियों का शिकार किया जाता है। तो बिना किसी को ट्रैंक में बंद किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत जंगल से होती है, जिसमें एक लड़की जान बचाकर भागती हुई नजर आती है, क्योंकि उसके पीछे एक मास्ट मैन साइड लिए पड़ा था। तभी भागते हुए वो लड़की गिर पड़ती है और मास्ट मैन उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से अनदर मास्ट मैन आकर उस लड़की को बचा लेता है। अब हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट कायला से मिलते हैं और उसकी फ्रेंड मैडी, जो थोड़ा बॉसी नेचर वाली है, जो खुद को ब्रेव और कायला को कावर्ड मानती है। मैडी कायला को बताती है कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि उसे एपिलेप्सी की बीमारी है। फिर दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी कायला को मैडी की चीखने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही उसे बचाने जाती है तब उसे भी कोई किडनैप कर लेता है। इसके बाद के सीन में कायला को ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं, जहां पर उसकी लेफ्ट आई का ऑपरेशन हो रहा होता है। जब कायला को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रंक में पाती है जिसमें ब्यूटी 6 लिखा था। ट्रंक से निकलकर कायला अपनी फ्रेंड मैडी को चिल्लाते हुए ढूंढती फिरती है। तभी उसकी मुलाकात एलिस और शीना से होती है। उन दोनों का भी अपहरण द किडनैप हुआ था। कायला भागकर ट्रंक में अपना बैग लेने जाती है जिसमें उसके एपिलेप्सी की मेडिसिन थे, बट वहाँ बैग मौजूद नहीं होता। जल्दी कायला को एपिलेप्सी का अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है और उसे विजन्स आते हैं कि कोई हाथ में एक्स लिए बढ़ रहा है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एलिस को पाती है और शीना जा चुकी थी। फिर वो दोनों भी शीना की ओर बढ़ने लगते हैं। कायला एलिस से उसके बारे में पूछती है बट उसे कुछ भी याद नहीं था। कायला फिर मैडी को ढूंढने लगती है, जिसे एलिस रोक कर एक कहानी बताती है। अगर जंगल में 2 पिग्स को छोड़ दें जिनमें एक फास्ट और एक स्लो है, साथ ही साथ वहाँ कुत्तों के झुंड को भी छोड़ दें, तो सबसे पहले कुत्ते किसके पास आएंगे? कायला स्लो वाले पिक के पास आंसर देती है। एलिस कहती है तो चुप रहो और साथ साथ चलो। चलते चलते उन्हें फिर वैसा ही ट्रंक मिलता है जिस पे लिखा था बीस्ट 6, और वहीं पास में ही एक मास्क मैन एक्स लिए घूम रहा था। उसे देख पहले तो एलिस उसे छिपा लेती है और फिर भागने को करती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये कायला का बॉडीगार्ड है, अगर वो कायला के साथ रही तो मारी जाएगी। लेकिन कायला उसे रोक लेती है और एलिस एक पीस ऑफ वुड को बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए फेंकती है और फिर से कायला को अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। एंड एलिस भी लाइक ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं। एलिस जान बचाने के लिए कायला को छोड़ भागने लगती है। अब बीस्ट भी पीछे पड़ चुका था। जल्दी बीस्ट एलिस को पकड़कर उसके स्कल में से फेस को काट कर अलग कर देता है, जिससे वो मारी जाती है। चीखने की आवाज़ सुन बीस्ट उस ओर भाग जाता है। तभी कायला को होश आता है और उसे एलिस की बॉडी मिलती है, लेकिन वो वहाँ से फिर भागने लगती है। उसे रास्ते में सुनसान मैदान दिखता है। उस मैदान में जगह जगह पर सुपरसोनिक साउंड क्रिएटर्स लगे हुए थे, जो किसी के भी दिमाग का नस फाड़ने में कैपेबल थे। वहीं एक बुलक कार्ट था जिसके पीछे कायला छिप जाती है। तभी वो देखती है एक लड़की उसकी ओर मदद मांगते हुए आगे आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे कायला का बीस्ट पड़ा था। देखते ही देखते बीस्ट एक्स को उस लड़की के पीठ में घुसा देता है और फिर बीस्ट कायला को वेव करता है। दूसरी ओर से एक और बीस्ट कायला की ओर बढ़ता है। कायला को बचाने के लिए बीस्ट उस लड़की को छोड़ दूसरे बीस्ट से भिड़ जाता है और मारा जाता है। अब कायला उस लड़की, जिसका नाम सैली होता है, उसे बचाकर एक पेड़ के नीचे गड्ढे में छिपाकर मदद लेने जाती है। इतने ब्लड लाइंस को फॉलो करते हुए वही बीस्ट सैली तक पहुंचकर उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है और वो भी मारी जाती है। भागते हुए कायला का सामना पिग मास्ट बीस्ट से होता है, जो उस पे सिकल से अटैक करता है। लेकिन जब कायला फाइट्स बैक करने लगती है तो पिग मास्क किसी पंकिन की तरह खुद से फट जाता है, क्योंकि इसे जिस लड़की को गार्ड करना था वो पहले ही मारी जा चुकी थी। तो अब इसका भी खेल खत्म हो जाता है। वापस लौटने पर उसे सैली मरी पड़ी मिलती है, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है। पास में ही कायला को गोल्ड माइन का मैप मिलता है। वहां से चलते चलते कायला एक कैबिन में पहुंचती है और विंडो से बाहर बीस्ट को देख रही होती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है, और कुल्हाड़ी को उसके गले में मार देती है, जिससे ऑन द स्पॉट वो लड़की मारी जाती है।
वही उस कमरे में शीना रोज को लेकर छिपने आई होती है, लेकिन काला की हालत देख रोज को वहीं छोड़ हैचेट उठाकर चली जाती है। घबराहट के कारण काला को अगेन अटैक पड़ता है। इस बार भी उसे विजन में खुफिया रास्ता दिखता है। उठने पर रोज को वो अपने करीब पाती है, वो उसे दोस्ती करती है और अपने विजन को रोज के साथ शेयर करती है कि मैडी को वहीं छिपाया गया है। कायला रोज को ऑपरेटिंग रूम वाली बात पूछती है। रोज बताती है, हाँ बट मुझे लगा वो सपना था। फिर कायला का खाली दिमाग चलता है और वो पास में पड़ी उस लड़की की लेफ्ट आई बाहर करती है, जिससे उसे पता लगता है कि ये तो एक बायोनिक आया है। वो सारा माजरा समझ जाती है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। तभी खिड़की के बाहर कायला को बीस्ट नजर आता है और शीना भी उसी वक्त लौट आती है और बताती है अब सिर्फ दो बीस्ट बचे हैं। अचानक से एक बीस्ट शिकल को कैबिन के वॉल पे घसीटते हुए चलने लगता है। अब इन तीनों का उसे देख चौंक हो जाता है और वे सब छिप जाते हैं। बीस्ट शीना के पीछे वाले डोर से कैबिन में एंटर कर जाता है और रोज को मानने ही वाला होता है कि काला और शीना उसे बचा लेते हैं। फिर काला और शीना में अनबन होती है, जिसमें शीना काला के खून की प्यासी हो जाती है, बट काला रोज को लेकर भाग जाती है। उन्हें भागकर दूसरे कैबिन में जाते देख बीस्ट भी पहुंच जाता है। दोनों पतली गली से भागने वाले होते हैं कि रोज को बीस्ट पकड़ लेता है, पर रोज उसी के सिकल से उसकी उंगलियां काट देती है। अब तक कायला भी अंदर आ जाती है। बीस्ट कायला को पकड़कर अपने कटे हाथ को उसके मुंह में ही डाल देता है, पर दोनों मिलकर उस बीस्ट को मार डालते हैं। उनकी आवाज़ सुन एक और बीस्ट आता जरूर है, लेकिन डर के भाग जाता है। अब कायला शीना के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी और शीना जंगल में पागलों की तरह इधर उधर भागती है। काला को अकेला पाकर शीना उसे मारने ही वाली होती है कि पीछे से काला का बीस्ट आकर शीना के सिर के दो टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रोज को बीस्ट उठा ले जाता है, पर रोज उसे डराकर भगा देती है। शीना को मरे देख रोज कायला पर गुस्सा करती है, पर कायला उसे संभाल लेती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आउल फेस वाला बीस्ट उन पर नजर गड़ाया था। मैप को फॉलो करते हुए काला मैडी तक पहुंच जाती है। कुछ देर में ऑल फेस भी पहुंच जाता है। उसे देख कायला को फिर से अटैक आता है, जिसे मैडी संभालती है। तभी अपनी जान बचाने के लिए रोज मैडी का गला काट देती है, जिससे कि मैडी के साथ साथ उसके बीस्ट की भी मौत हो जाती है। जब कायला को होश आता है तो मैडी को मरे देख उसे बहुत दुख होता है। रोज उसे बताती है आउल फेस मैडी का ही बीस्ट था और मैंने तुम्हें बचा लिया। कायला उसे कहती है कि कुछ भी कर लो हम नहीं बच पाएंगे। फिर रोज नाराज होकर वहां से भाग जाती है और कायला मैडी से लिपट कर रोने लगती है। वहां से चलते हुए कायला को शाम हो जाता है। उसे वहीं सुपरसोनिक साउंड मशीन मिलता है और उसे देख वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो अपने लेफ्ट आई को बाहर निकाल कर फेंक देती है। इस गेम को मॉनिटर करने वाला देखता है कि सिक्स ब्यूटी एंड सिक्स बीस्ट में से सिर्फ एक कैंडिडेट बची है, तो नेक्स्ट गेम में वो जुड़ जाता है। बट असल में कायला अब तक जिंदा है। लास्ट सीन में कायला उस आदमी के घर पहुंचती है जो कंपनी ऐसी गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पहुंचकर वो सभी फाउंडिंग मेंबर्स का पता लगाती है। जाते जाते कायला उस आदमी की एक आंख निकाल जाती है जो पास में बैठे मैडी की स्पिरिट देख रही होती है, और मूवी यहीं रैप अप हो जाती है। इस गेम का रूल सिंपल है। इसमें सिक्स ब्यूटी यानी कि छह लड़कियां और उनके सिक्स बीट्स होते हैं, जिन्हें अपने जोड़ीदार को अपोजिट पार्टी से प्रोटेक्ट करना है। कोई लड़की अगर किसी दूसरे लड़की को मार दे तो उसका बीस्ट खुद ब खुद मर जाएगा। जब लड़की ही नहीं होगी तो पार्टनर किस काम का। यहाँ लड़की लड़की को, बीस्ट बीस्ट को, या लड़की बीस्ट को, या बीस्ट लड़की को मार सकते हैं। और इस गेम में लाए जाने से पहले लड़कियों में और उनके बीस्ट में कोऑर्डिनेशन के लिए ब्लॉनिक आइज का यूज़ किया जाता है, ताकि ब्यूटी अपने बीस्ट की आंखों के थ्रू देख सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी द फ्यूरियस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।